नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसभाओं का आयोजन करवाने की आयोग ने दी अनुमति। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, वहीं राजनीतिक दलों द्वारा सभी जनसभाओं का आयोजन भी करवाया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी और कहा है कि कोविड-19 के माहौल के दौरान होने वाले चुनाव में सिर्फ वर्चुअल चुनाव प्रचार होना की बात गलत है। अगर ऐसा होता है तो आयोग इतनी मेहनत क्यों करता है और बैठे बैठे आयोग जाति आयोग ने जनसभा और रैलियों को लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारियों से उपलब्ध हॉल और ग्राउंड की सूची भी तैयार करवाई है। कुछ स्थानों पर मैदानों में गोलाकार चिन्ह भी बनाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया है कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। निर्वाचन कर्मियों की कोविड-19 से जान गंवाने पर 3 लाख मुआवजा राशि का भुगतान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी प्रमुख मैदानों की सूची अखबारों में भी छपवा दें। 9 लोकल ट्रेनों की बदली गई समय सारणी। 9 लोकल ट्रेनों के समय सारणी में बदलाव किया गया है, जिसके तहत जयनगर अमृतसर स्पेशल क्लोन ट्रेन अब समस्तीपुर जंक्शन सुबह 8:50 के बजाय 7 बजे समस्तीपुर जंक्शन पर पहुंच जाएगी। इसके साथ ही 7:25 पर मुजफ्फरपुर जंक्शन के लिए इसे रवाना कर दिया जाएगा। रेल मंडल के गुजरने वाली 9 क्लोन ट्रेनों की समय सारणी को बदल दिया गया है। नए समय सारणी के अनुसार यह ट्रेन जयनगर से 6:15 की जगह 4:15 पर रवाना की जाएगी। दरभंगा से 7:45 की जगह 5:25 पर ही यह पहुंचेगी, जबकि मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 10:10 की जगह 8:20 पर ट्रेन के पहुंचने का समय होगा। इसके साथ ही छपरा में यह ट्रेन 12:35 की जगह 11:10 पर पहुंचेगी। वहीं इन ट्रेनों के अलावा सहरसा, नई दिल्ली और अहमदाबाद दरभंगा का समय भी बदल दिया गया है। दरभंगा, नई दिल्ली, क्लोन अब कानपुर सेंट्रल पर पहुंच जाएगी। पटना में मेट्रो की तैयारी होगी तेज। पटना वासियों को जल्द ही मेट्रो की सुविधा मिलने वाली है। पटना मेट्रो के कार्यारंभ के बाद अब मेट्रो के अलग अलग काम को तेजी से करवाया जाएगा। जानकारी के अनुसार पटना गया रेल पर ISBT के सामने सबसे पहले मेट्रो के ऑफिस निर्माण का काम शुरू होने वाला है। ऑफिस भवन के डिजाइन आदि का काम पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही ऑफिस का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा विभाग और दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के सहयोग से जल्द ही पावर ग्रिड का निर्माण कार्य भी शुरू होने वाला है। इसके निर्माण की निविदा भी जारी कर दी गई है। निर्माण शुरू होने की औपचारिकताएं भी पूरी की जा चुकी है, जिसमें लगभग 1,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। जानकारी के अनुसार 5 अक्टूबर को नगर विकास और आवास विभाग में इसको लेकर बैठक संभावित है, जिसके बाद कई निर्णय पर काम करना शुरू करने का आदेश दिया गया है। गौर करने की बात यह है कि बीते 22 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेट्रो का कार्य आरंभ कर दिया था। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने बापू को किया नमन। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई जा रही है और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के इन महान विभूतियों को याद करते हुए उनके समर्पण को याद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मोदी सरकार के प्रयासों के मूल में महात्मा गांधी के विचार और उनकी शिक्षाएं हैं। सरकार द्वारा देश भर में कई उल्लेखनीय प्रयास, जैसे कि स्वच्छ भारत में भी महिला सशक्तिकरण, गरीब और दलित का सशक्तिकरण, किसानों की मदद और गाँव में आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए राष्ट्रपति ने कहा है। उन्हें खुशी है कि गांधी जी की शिक्षा हमारी सरकार का आधार है। उन्होंने आगे कहा कि गांधी जी ने नैतिकता और लक्ष्यों की शुद्धता और अपने प्रयासों को बहुत महत्व दिया है। बिना मास्क और हैंड सैनिटाइजर के वोट नहीं डाल सकेंगे वोटर। आगामी विधानसभा चुनाव में बिना मास्क के बूथ के अंदर प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके लिए बिना वोटर को मतदान की अनुमति नहीं मिलेगी। जो भी बिना मास्क के वोटर मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, उनको स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क में मास्क मुहैया करवाया जाएगा। साथ ही मतदान केंद्रों में अंदर प्रवेश करने से पहले उनके हाथ को सैनिटाइज भी किया जाएगा। यह जानकारी पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी ने दी है। उन्होंने बताया है कि मतदान के दौरान लोगों को कोविड-19 से बचाव की तैयारी की जा रही है। एक ओर जहां वोटर को मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था दी जा रही है, वहीं मतदान कर्मियों की सुरक्षा पर भी व्यापक उपाय किए जा रहे हैं। मतदान कर्मियों को मास्क, फेस शील्ड और जरूरी PPT किट प्रदान किया जा रहा है। सिविल सर्जन ने बताया है कि मतदान से एक दिन पहले सभी बूथ को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा वोटिंग के दिन प्रत्येक 3 घंटे पर एक बार सैनिटाइजेशन का काम पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए सारी योजनाएं तैयार की जा चुकी है। 12 जिलों के 74 विधानसभा क्षेत्रों में खुले में ही करवाई जाएंगी सभाएं। विधानसभा चुनाव में इस बार 12 जिलों के 74 विधानसभा क्षेत्रों में खुले में ही सभा का आयोजन करवाया जाएगा, क्योंकि इन जिलों में ऑडिटोरियम या हॉल मौजूद नहीं है। कोविड-19 के कारण चुनाव आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक पार्टियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभाओं के आयोजन की अनुमति मिलेगी। इनमें से 74 विधानसभाओं में ऑडिटोरियम या हॉल मौजूद नहीं होने से प्रत्याशियों के पास खुले मैदान में भी सभा कराने का विकल्प होगा। गुरुवार को चुनाव आयोग ने राज्य में ऑडिटोरियम, हॉल और अन्य बिल्डिंग तथा ग्राउंड के
लिस्ट जारी कर दी है, जिसे जिला प्रशासन ने चुनावी सभाओं के लिए चयनित किया है। लिस्ट के अनुसार राज्य में कुल 665 ऑडिटोरियम हॉल और अन्य सभाओं का और साथ ही 1731 मैदान है जहां पर चुनावी सभाओं का आयोजन करवाया जा सकता है। 5 विधानसभा क्षेत्र में एक भी नामांकन नहीं किया गया दर्ज। पहले चरण में जिलों के 5 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। इसमें मोकामा, बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज, विक्रम विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जिसमें पहले दिन एक भी उम्मीदवारों ने नामांकन नहीं किया। 8 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया रहेगी। 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकेगा। वहीं 28 अक्टूबर को मतदान का आयोजन करवाया जाना है। 10 नवंबर को वहीं मतगणना होगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के कारण नामांकन की प्रक्रिया आज नहीं करवाई गई है। जिले में 277 महिला मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। साथ ही उन बूथों पर 1108 महिला कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। डीएम ने महिला कर्मियों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। चुनाव कर्मियों की ट्रेनिंग भी 2 चरणों में आयोजित करवाई जाएगी। पहले चरण में ट्रेनिंग 6 से 11 अक्टूबर और दूसरे चरण में 19 से 21 अक्टूबर तक होगी। डीएम कुमार रवि ने इस बात की जानकारी दी है। बिहार के इस गांव में आजादी के बाद से एक भी मामला नहीं किया गया दर्ज। आज महात्मा गांधी की जयंती है। वहीं आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जहां आजादी के बाद से अब तक एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। ऐसा भी नहीं है कि गांव में झगड़े, लड़ाइयां, विवाद नहीं होती थी, मगर सब कुछ लोग समस्याओं को मिल बैठकर सुलझाने में यकीन रखते हैं। थरूहट क्षेत्र का यह गांव बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज अनुमंडल के गोनाह प्रखंड के सहोदरा थाने का कचराव है। गांधी जी आज भी यहां के लोगों के लिए पूजनीय माने जाते हैं। उनके आदर्शों पर ये लोग चलते हैं। यहां पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से मामलों को सुलझाने में यकीन रखते हैं। गांधी के चंपारण आगमन और सत्याग्रह का आज यहां भी प्रभाव देखने को मिलता है। सहोदरा थाना अध्यक्ष अशोक शाह ने इस बात की पुष्टि की है। गंडक नदी के डुमरिया घाट पुल पर 3 दिनों तक वाहनों का परिचालन रहेगा बंद। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से राजमार्ग 28 को जोड़ने वाले गंडक नदी के डुमरिया घाट पुल पर वाहनों का परिचालन आने वाले 3 दिनों तक पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। 3 से लेकर 5 अक्टूबर तक किसी भी प्रकार के वाहन का परिचालन पुल पर नहीं करवाया जाएगा। इन 3 दिनों में सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पर पुल पर मेंटेनेंस का काम शुरू किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की दरभंगा इकाई के GMT प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनोज कुमार पांडे ने स्थानीय थाना अध्यक्ष को पत्र लिखकर सहयोग की मांग की है। श्री पांडे ने बताया है कि रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक गाड़ियों का परिचालन होगा। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष रमन कुमार ने गुरुवार को बताया कि चंपारण और गोपालगंज को जोड़ने वाले डुमरिया घाट पुल के मेंटेनेंस कार्य को लेकर 3 दिनों के लिए बंदी का अनुपालन करवाया जाएगा। इस दौरान सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक पुल पर मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाने के लिए बिहार में शुरू हुई मुहिम। सुशांत सिंह राजपूत के गुजरे हुए कई महीने का समय गुजर चुका है, हालांकि उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय को लेकर पटना की सड़कों पर लगातार विरोध जारी है। इसी को सुशांत के समर्थकों ने गांधी जयंती के अवसर पर सत्याग्रह मुहिम की शुरुआत की है। यहां तक कि यह समर्थक पटना से मुंबई तक जाने को तैयार है। समर्थकों का कहना है कि न्याय के लिए उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की है। उनकी मांग है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ है, उनके साथ अगर किसी ने गलत किया है तो उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए। आपको बता दें, इससे पहले भी पटना की सड़कों पर कई बार सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अलग अलग संगठनों की तरफ से विरोध किए जा चुके हैं। यहां तक कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी न्याय को लेकर डिजिटल कैंपेनिंग भी चलाई जा चुकी है। सोनिया गांधी चंपारण से करेंगी चुनावी शंखनाद। बिहार में चुनावी शंखनाद के बीच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाने की तैयारी आज पूरे बिहार में देखने को मिली। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से बापू की जयंती को मनाने की तैयारी में जुटा हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस मौके पर बापू की कर्मभूमि चंपारण से बिहार के चुनाव प्रचार का आगाज कर चुकी है। सोनिया गांधी पूर्वी चंपारण बंजरिया पंडाल आश्रम में बने महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण कर चुकी है, जिसका आयोजन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक करवाया गया था। सोनिया गांधी इस मौके पर पार्टी और चंपारण के लोगों से रूबरू भी हुई। पार्टी ने इस वर्ष और रैली का नाम गांधी चेतना रैली दिया था। सोनिया गांधी कार्यक्रम के दौरान 151वीं स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को सम्मानित भी कर चुकी है। कोसी, बागमती, कमला बलान नदी का जलस्तर बढ़ा लाल निशान के ऊपर। बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश के कई जिले में लोग बाढ़ से बेहाल नजर आए। बेतिया, शेखपुरा, गोपालगंज सहित कई जिलों में बाढ़ के कारण जनजीवन भी काफी ज्यादा प्रभावित रहा। गोपालगंज और बेतिया के कई गांव में बाढ़ का पानी भी घुस चुका है। जल संसाधन विभाग के अनुसार कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों का जलस्तर अभी भी लाल निशान से ऊपर है। वहीं उत्तर बिहार की कई अन्य नदियों का जलस्तर भी लाल निशान से ऊपर देखा गया है। गंगा नदी का जलस्तर साहिबगंज में 62 सेंटीमीटर ऊपर है, कहलगांव में 19 सेंटीमीटर और फरक्का में लाल निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर है। पुनपुन नदी का जलस्तर श्रीपालपुर में लाल निशान से नीचे नजर आया है। साथ ही घाघरा नदी का जलस्तर लाल निशान से नीचे और गंडक नदी का जलस्तर डुमरिया घाट के लाल निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर है। रेवा घाट में लाल निशान से 83 सेंटीमीटर नीचे है। चुनाव को देखते हुए डीएम ने सभी कर्मियों की छुट्टी रद्द करने का दिया निर्देश। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी कुमार रवि ने सभी कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव ड्यूटी ज्वाइन करने का सख्त निर्देश सभी कर्मियों को दे दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कड़ी कार्रवाई करते हुए आदेश जारी कर दिया है। चुनाव ट्रेनिंग शेड्यूल बनाने और साथ ही कर्मियों को नियुक्ति पत्र
समय पर तामिल कराने और मेडिकल बोर्ड का गठन कराने का निर्देश भी जारी किया गया है। बिहार विधानसभा के दो चरणों में चुनाव कार्य में तैनात होने वाले कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ट्रेनिंग शेड्यूल बनाने का निर्देश जारी किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारियों को दिया है। प्रथम चरण के कार्य में प्रतिनियुक्ति होने वाले कर्मियों का प्रशिक्षण 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसके साथ ही ड्यूटी कराने में असमर्थ 4 व्यक्तियों के लिए मेडिकल बोर्ड 11 से 12 अक्टूबर को भी श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में काम करवाएगी। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज आमने सामने होगी चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद। आगामी आईपीएल का 14वां मैच आज खेला जाएगा, जो कि महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स और डेविड वार्नर की सनराइजर हैदराबाद के बीच आयोजित करवाया जाएगा। दोनों ही टीमें एक एक मैच जीतकर अंक तालिका में 7वें और 8वें स्थान पर विराजमान होंगी। जहां 7वें स्थान पर हैदराबाद है, वहीं 8वें स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी जगह बनाई है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स को पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरीके से जीत के इरादे से उतरेगी। वहीं सनराइजर हैदराबाद भी जीतने के लिए और अंक तालिका में अपनी टीम को ऊपर पहुंचाने के लिए जीत कोशिश करती नजर आएगी। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 64 लाख के करीब। देश में कोविड-19 के मामले 63 लाख के पार पहुंच चुके हैं, जिसमें से 9 लाख से ज्यादा मामले फिलहाल सक्रिय बताए जा रहे हैं। देश में कोविड-19 के चलते अब तक कुल मिलाकर 99,773 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 81,484 नए मामलों की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही बीते 24 घंटे में 1,095 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 63,94,069 पर पहुंच गई है, जिसमें से अब तक 53,52,078 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं 9,42,217 मामले सक्रिय हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार कोविड-19 के माहौल में 100 लोगों के साथ जनसभाओं का आयोजन करवाने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।